फुल खाता है। और यहाँ जब पहुंचता आप इसको काटे ना तो पोटे में से जाफरान निकलती है। अज़रबैजान तो जाफरान खाता है। हाँ जी। अफगानिस्तान तो चरस पीता है। लाहौर के पांग पीता है। तुम सोच रहे हो कि काश मैं भी मग हूं। अच्छा जी, गोश्त कितना होता है एक मग का? एक मग में तकरीबन मान गोश्त होता है। 5-1 किलो तो होता है। हाँ तो ये तो आडू तुम्हारे तो ये बाएं दांत का काम है। अच्छा, बास ने इसका जो शिकार होता है मग का, मुश्किल होता है? मुश्किल सिर्फ तब अगर पानी में आपको थोड़ा बहुत घुसना पड़े, अदरवाइज कुर्सियों पे बैठ जाते हैं आप, दूर से आती वो पूरी डार नजर आ जाती है। वापस ही गला करते होंगे वो बैठे जे। नहीं, इसमें होता है कि बाज़ औक़ात कोई जख्मी मग अगर आपको मिल जाता है ना तो लोग क्या करते हैं कि उसको बांध देते हैं नीचे। यह है तो जालिमाना काम, लेकिन करते वही हैं। और उससे वो फिर उड़ने की कोशिश करता है तो ऊंची ऊंची चिल्लाता है, चीखता है। वो समझते हैं नीचे को खाने पीने का वाफिर सिलसिला है। फिर उठे आगे कहने की फिट है मुंह तेरे चीखन का। सबसे आला शिकार, सबसे मजेदार, सबसे ज्यादा थका देने वाला, एग्जॉस्ट कर देने वाला शिकार तीतर का होता है। और तीतर के शिकार में जो सबसे ज्यादा एंजॉयबल चीज होती है वो सस्पेंस होता है। जब कुत्ता पॉइंट करके खड़ा होता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है उसमें। और एकदम जब वो उड़ता है ना तो उसकी भर जो है वो दहला देती है आपको। आमतौर पे शिकारी गलती वहां पे करता है। वो संजीदगी से पूछ रहा था बंदा, अब वो खामोश बैठा है। उन्होंने सब भूख लगी है। मग के शिकार पे मेरे साथ जा सकते हैं, तीतर पे मैं नहीं ले जा सकता, मग पे चले। तीतर तो शिकार तो क्यों नहीं ले जा सकते? तीतर पे बहुत चलना पड़ता है, पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, उतरना पड़ता है दरिया और नाले उबूर। मेरी लकड़ दी लाता है तो मैं नहीं चल सकता। की वजह? आडू को ना लेके जाइएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? सारे जो पॉइंटर कुत्ते नहीं, उन्होंने डरी जाना कि साड़ती ना डेग। और पीछे से मग मार के बिठाया। वैसे मग होता सफेद ही है। नहीं, ये वेस्ट इंडीज का मग। हिरण का शिकार किया है कभी आपने? मैं नहीं करता, मैं सिर्फ परिंदे मारता हूँ। परिंदे की तरह मुंह चला के दौड़ते। बाकी जानवर का, शेर का कभी शिकार किया है? नहीं, शेर का शिकार करना तो बहुत बड़ी जहालत है। शेर तो एंडेंजर्ड जानवर है, इन्हें तो रहना चाहिए। भट साहब ने शेर मारिया सी, भट साहब ने शेर तो नहीं मारे। अच्छा, आजकल केड़ा शहद खा रहे हो? बेरी का। को दरख्त छटना ना। मजबूत शहद कौन सा होता है? सारे शहद बहुत आला होते हैं, लेकिन फुलाई का बहुत आला होता है। वो कितने मिलेगा जी? चकवाल, झेलम, अटक, इवन गुजरात। नहीं तो फुलाई का एडा मजबूत क्यों होता है जी? फुलाई जो एक जड़ है, जड़ी है, एक बुश है, उसके अंदर जो उसका तना है वो इस कदर मजबूत होता है कि कदीम वक्तों से आज तक जो लकड़ी का हल है ना वो फुलाई की लकड़ी से बनता है और वो लोहे से ज्यादा मजबूत समझी जाती है। उदे उते शहद पाने रहे। हाँ, उसके साथ जो शहद लगता है उसमें उस लकड़ी की तासीर आती है। वाह वाह वाह। हकीम साहब गोडे की दर्द से। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। शहद का डॉक्टर कदीर। वेलकम बैक जी। खबर है कि सियालकोट में डॉक्टरों की गफलत ने जिंदा आदमी को मुर्दा करार देके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। खोलो आँख, उसने भी तू आप आँख बंद की थी है। खोल साहब, डॉक्टर साहब पहले थोड़ा दिमाग खराब सी कि तुसी एक जिंदा बंदे नु मुर्दा करार देके घर पहुंचाता। और तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? महकमा सेहत पंजाब ने होके नहीं बनाया। महकमा सेहत पंजाब का भी यही हाल है। की हाल है, कमाल पे कर दे। तुम जैसे डॉक्टरों को उन्होंने डॉक्टर बना रखा है जिन्हें पता ही नहीं चला कि वो मर गया। इंसान खता दा पुतला, किसी को गलती हो जाती है। यार एक आधी गलती है, इंसानियत है। सर मेरी गल सुनो, ए मेरे बहनोई ने और ए मेरी सिस्टर है। आए आंदा शौर है। हां जी, मर तो फिर ए बेचारी गई ना। तुम कौन हो? ओ यार एक मिनट, मैं बहनोई है, मेरा साला उदा साला ही एडा तगड़ा हुंदा। अच्छा, तुम सीधे तरीके से क्यों नहीं बोल रहे? ओ जनाब, पूरी नहीं बंदी, 4 दिन दा जगराता है। ए देखो खा, ऐसे काम करने घर रोटी खाने कोई नहीं। ये एक ऐसा सीन है जिसमें मरीज भी नाकस, डॉक्टर भी नाकस, ये वार्ड कुली भी और साला तक नाकस है। साला ओरिजिनल पॉइंट। अरे तू वाकई ना साला? यार मैं तो उदा साला, ये तेन मैं दसा तू मेरा साला। दसो यार, ते भलाई दा जमाना नहीं गा। भलाई दा क्या कर जमाना साडा? ओए एक मिनट, डॉक्टर ओदी लत ना काट देवे। हाय हाय हाय,
बड़ी नसीबा वाली है, पैर धो के पिया करे दे। इहदे पैर धो के पीना कैंसर नहीं हुंदा। लो जी इहनू अपना अमोक्सल भी चाहीदी है, लिखो अमोक्सल। हाँ सेप्ट्रॉन भी चाहीदी इहनू, इहनू ना अपना वैक्स भी चाहीदी है, ते दो चावे भी चाहीदे ने। ते भी पहले डॉक्टर सी। अच्छा इन्हें हरकतों तो इन स्वीपर बनाया है। अच्छा ये दसो कि एक्सीडेंट होया किस तरह है? ये मोटरसाइकिल से बजे जी, मोटरसाइकिल तो मौके से हलाक हो गई। की होया सी? आप दस गूंगे हैं, की होया सी? मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था जी फ्रूट लैन। तेरा फ्रूट बनदे बनदे हैं? ये थोड़ा फ्रूट ले आई ना मुरादा, पूरी दुनिया का फ्रूट मकान टुरे। तेरा खाना खराब हो गया, अपने मुंह के सामने तू लसूड़े खाया कर लसूड़े। ऐ तेरी बीवी? हाँ जी। ओए क्यों मार रहे हो उसे? ओए पैन मेरी है, तू पहले नहीं बेवा हुई सी, हुन हो जाएंगी। ओए तू एदा साला है? मैं तेरे प्यो दा साला। अब्बा इहदी भी समझ नहीं आती, हर फटे थले साले दिते ने। इहनू वेख ए फटे थले आंदा है? ये तेरी गल बनन तो बाद तेनू पता लगा तू अब्बे नू की बनाया? किन्ने साल हो गए शादी नू? डॉक्टर साहब शादी दी तुम डॉक्टर हो या साडे दोनों दे वालद हो? मैं पूछ रहा बच्ची को लो के इन तुसी इलाज करो तुहानू बच्ची नाल की? अच्छा जी माशाल्लाह बच्चे किन्ने ने? 6 बच्चे। मरीज दा नाम की है? दानियाल बेग। डॉक्टर साहब ने तो मार मार के ठीक कर देने। की ना बात सुनो पागल इंसान, अब क्यों मारे तू? तुसी ये दसो दानियाल है किसे पास तो दानियाल लगदा होवे, बेग लगदा होवे? बात सुनो बेबी, रहती कहाँ आप? सियालकोट डिफेंसर। मैनू तो इंज मारन डे जी मैं तुहाडे घर रहना। अब क्यों मारा? ये हल्का हल्का पांड भी है। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? मैं भी हल्का हल्का हूँ। अच्छा मैं सावला है, डॉक्टर को दवाइयाँ दूँगा कोई नहीं। डॉक्टर साहब कोई हेपेटाइटिस सी की चपेट है? डॉक्टर साहब और ये क्या कर रहे हो? बड़े टैलेंटेड आदमी ने जी, मशीन ला के मरीज सोंग रहे ने। डॉक्टर साहब ये बच तो जाएंगे ना? मैं तो अपने पूरी कोशिश कर रहा, लेकिन लगता बच जाएगा। और तुम मारने की कोशिश कर रहे हो? जो तुम इतने आते ना तुम भी मारने की कोशिश कर दे। डॉक्टर साहब देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें बचा ले, जैसे भी हो सकता है इन्हें बचा ले, जितने पैसे लगते हैं लग जाए, लेकिन इन्हें बचा ले। तुम भाजी इन्हें बचा के करना की मेरी बहन है? देखिए मेरे बच्चे घर में बड़े परेशान हो रहे हैं, इनके बिना नहीं जाने दे। हां ये डराउंदे ते उसाउंदे ने। जान मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मौत के मुंह दा ते जायके खराब हो गया ना। मौत दी जान कढ़न आई सी, उन्हें मुंह ते रुमाल रखया। तैमूर का क्या हाल है? तैमूर ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं। ये तैमूर कौन है? नौशेरवान से छोटा है, बेटा है। हैं? तेरे बच्चे का नाम है? हाँ जी। किस तरह? किस तरह तेरा मुंह है, तेरे पुत्र का नाम ना अल्लाह दिता। नौशेर खान है ते पुत्र है। उन गौर में रखो ना ते क्रिस गेन नालो अभी 3 मिनट ही पीछे है। लेकिन वो तो नाम ही नहीं रखे है जी। और नौशेर खान नहीं है, नौशेरवान बादशाह था ईरान का बहुत बड़ा। अब तुम मेरे कमरे जाओ। अगर सुन ले जी आंदा ध्यान रखी कि दा मरीज दा नहीं साले दा। आओ जी आओ। भाईजान गल असल पता की, तुसी अपनी स्पीड दा ध्यान नहीं रखते। मैं स्पीड दा ध्यान रख लांगा, तू डॉक्टर दा ध्यान रख। लहरासत का क्या हाल है? उन्हें कुत्ते नु वाड़ लिया जी। ओए ये लहरासत कौन है? ओ भी को भांजा जी, मेरा भांजा। ओ ये उसका बेटा है? ओ सर हजे ते तुसी दूसरे दा नाम नहीं सुनया। वो क्या है? अलतुतमिश। ओ भी इन्हां दा बेटा है? इन्हां दे बच्चे जंग च मांगदे सन। यार सारे बादशाहों के नाम रखे हुए इसने।
سارے نے ماشاءاللہ 6 بیٹے نے اچھا یار یہ ہمیں کیوں اطلاع دے رہے ہو اور انہاں دا ایک بیٹا بڑا ہی کیوٹ ہے کیا نام ہے اس کا سلجوک لو اس کی سارے بادشاہ تم نے بک کروائے ہو سلجوک رانا ٹنگا جی یار رانا او یہ کیوں مار رہے اے کیوٹ تو ڈاکٹر صاحب ہاں جی دوائیاں لکھ لی ہیں جی ہاں جی اچھا بی بی گل ہے گی کی نام جناب دا نام تو میرا پروین ہے وہ تو کوئی اور دستا پیا سی تیرا بندہ وہ مجھے پیار سے محروم نسا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محروم نسا محروم نسا جا بھی ذرا تو مت مارنا کیوں مارا یار ڈاکٹر صاحب نے میں کلے میں نہیں جا سکتا تو مار گیا لو جی اے کاغذات میں تیار کرتے نے ایتھے سائن کر دیا